जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, भारतीय रेल त्योहारों का सीजन आते ही अपनी तैयारियां भी शुरू कर देता है। रेलवे की तैयारियां क्या हैं और इनसे आम जनता या फिर रेल यात्रियों को किस प्रकार से फ़ायदा होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेल नई ट्रेनों को लेकर आ रहा है। इसमें से बहुत सी ट्रेन दिवाली तक चलेंगी और बाद में आवश्यकता पड़ने पर उन ट्रेनों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो छठ पूजा नवंबर के बाद में जो यात्रियों के वापसी की भीड़ होती है उसको लेकर आने के लिए भी अभी से ही रेलवे ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कौन कौन सी नई ट्रेन आ रही हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों, जो नई ट्रेन आ रही हैं उन ट्रेनों के नाम और नंबर कुछ इस प्रकार हैं। ट्रेन नंबर 04016 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा फेस्टिवल स्पेशल, ये ट्रेन 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 26 अक्टूबर तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से हर रविवार और बुधवार वाले दिन में 3:25 पर चला करेगी। इस ट्रेन में आप स्लीपर और थर्ड एसी में अभी से टिकट अपने बुक कर सकते हैं। ट्रेन नंबर 04061 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल, ये ट्रेन 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 29 अक्टूबर तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। सहरसा जंक्शन से ये ट्रेन हर शनिवार वाले दिन शाम को 7 चला करेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी क्लास के कोचेस लगाए जाएंगे। ट्रेन नंबर 04062 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा फेस्टिवल स्पेशल, ये ट्रेन 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 28 अक्टूबर तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर शुक्रवार वाले दिन आनंद विहार टर्मिनल से दिन में 3:25 पर चला करेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी क्लास के कोचेस रेलवे ने लगाए हुए हैं। ट्रेन नंबर 04022 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा फेस्टिवल स्पेशल, ये ट्रेन 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन दिन में 3:25 पर चलेगी। ये ट्रेन केवल 22 अक्टूबर को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में स्लीपर और थर्ड एसी क्लास के कोचेस लगाए जाएंगे। ट्रेन नंबर 04021 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल, ये ट्रेन 23 अक्टूबर को चलाई जाएगी। केवल रविवार वाले दिन सहरसा से ये ट्रेन शाम को 7 चलेगी। इस ट्रेन में भी स्लीपर और थर्ड एसी क्लास के कोचेस लगाए जाएंगे। अगर अगली ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन नंबर 03102 पुरी से सियालदा एसी स्पेशल, इस ट्रेन को 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। ये ट्रेन पुरी से हर रविवार वाले दिन में 3:50 पर चला करेगी। इस ट्रेन में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी क्लास के कोचेस लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेन नंबर 03101 सियालदा से पुरी तक चलने वाली एसी स्पेशल, ये ट्रेन 1 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। सियालदा से ये ट्रेन रात में 11:50 पर चला करेगी। इस ट्रेन में आप थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में अभी से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। अगली ट्रेन है 03131 सियालदा गोरखपुर पूजा स्पेशल, ये ट्रेन 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलाई जा रही है। सियालदा से ये ट्रेन हर रविवार वाले दिन रात में 11:05 पर चला करेगी। इस ट्रेन में स्लीपर और थर्ड एसी क्लास के कोचेस लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01034 नागपुर मुंबई सीएसटी स्पेशल फेयर स्पेशल, ये ट्रेन 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलेगी। नागपुर से ये ट्रेन हर रविवार वाले दिन में 1:30 पर चला करेगी। मुंबई सीएसटी ये ट्रेन अगले दिन सुबह 4:10 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी में आप अभी से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन नंबर 01031 मुंबई सीएसटी मालडा टाउन स्पेशल, ये ट्रेन 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। मुंबई सीएसटी से ये ट्रेन हर सोमवार वाले दिन में 11:05 पर चला करेगी। इस ट्रेन में भी आप स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01033 मुंबई सीएसटी नागपुर सुपरफास्ट स्पेशल, ये ट्रेन 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेगी। मुंबई सीएसटी से ये ट्रेन हर शनिवार वाले दिन रात में 12:20 पर चला करेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी क्लास के कोचेस लगाए जाएंगे। दोस्तों, अगली ट्रेन की अगर बात की जाए तो वो ट्रेन है ट्रेन नंबर 01032 मालडा टाउन मुंबई सीएसटी पूजा स्पेशल, ये ट्रेन 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। मालडा टाउन से ये ट्रेन हर बुधवार वाले दिन दोपहर 12:20 पर चला करेगी। स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में आप अभी से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01674 दिल्ली वाराणसी पूजा स्पेशल, ये ट्रेन 18 अक्टूबर से लेकर नवंबर की 11 तारीख तक चलेगी। ये ट्रेन दिल्ली जंक्शन से रात में 11 चला करेगी हर रविवार, मंगलवार और शुक्रवार वाले दिन। इस ट्रेन में केवल स्लीपर क्लास के कोचेस लगाए जाएंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04250 आनंद विहार टर्मिनल वाराणसी करीब रथ स्पेशल, ये ट्रेन 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और नवंबर की 9 तारीख तक चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन हर बुधवार वाले दिन शाम को
6:15 पर चला करेगी। इस ट्रेन में केवल थर्ड एसी क्लास के कोचेस लगे हुए होंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01073 वाराणसी दिल्ली पूजा स्पेशल। ये ट्रेन 19 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 12 नवंबर तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। वाराणसी जंक्शन से ये ट्रेन हर सोमवार, बुधवार और शनिवार वाले दिन शाम को 6:30 पर चला करेगी। इस ट्रेन में केवल स्लीपर क्लास के कोचेस लगाए जाएंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04002 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर पूजा स्पेशल। ये ट्रेन 10 नवंबर तक चलाई जा रही है। आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन हर गुरुवार वाले दिन शाम को 7:05 पर चला करेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के कोचेस में आप यात्रा कर पाएंगे। अगली ट्रेन है 04249 वाराणसी आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ स्पेशल। ये ट्रेन 4 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 8 नवंबर तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। वाराणसी से ये ट्रेन हर मंगलवार वाले दिन शाम को 7:30 पर चला करेगी। इस ट्रेन में आप थर्ड एसी में यात्रा कर पाएंगे। अभी से अपनी टिकट आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01043 मुंबई LTT समस्तीपुर पूजा स्पेशल। ये ट्रेन 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 30 अक्टूबर तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। मुंबई LTT से ये ट्रेन हर रविवार और गुरुवार वाले दिन दोपहर 12:15 पर चला करेगी। लगभग 33 घंटे की यात्रा के बाद ये ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन रात में 9:15 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में आप स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में यात्रा कर पाएंगे। ट्रेन नंबर 01044 समस्तीपुर मुंबई LTT पूजा स्पेशल। ये ट्रेन 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। समस्तीपुर से ये ट्रेन हर सोमवार और शुक्रवार वाले दिन रात में 11:30 पर चला करेगी। लगभग 32 घंटे 10 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन मुंबई LTT सुबह 7:40 पर पहुंचेगी। अभी से आप इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में अपने टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09076 काठगोदाम मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल। दोस्तों ये ट्रेन अक्टूबर से लेकर नवंबर की 24 तारीख तक चलाई जाएगी। काठगोदाम से ये ट्रेन हर गुरुवार वाले दिन शाम को 5:35 पर चला करेगी और मुंबई सेंट्रल ये ट्रेन लगभग 27 घंटे 20 मिनट की यात्रा के बाद रात में 8:55 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में आप स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में अपने टिकट अभी से बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09186 कानपुर अनवरगंज मुंबई सेंट्रल स्पेशल। ये ट्रेन अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक चलाई जाएगी। कानपुर अनवरगंज से ये ट्रेन हर रविवार वाले दिन शाम को 6:40 पर चला करेगी और मुंबई सेंट्रल ये ट्रेन लगभग 27 घंटे 50 मिनट की यात्रा के बाद रात में 10:30 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी क्लास में आप अभी से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन नंबर 05304 कोयम्बटूर गोरखपुर स्पेशल। ये ट्रेन 11 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक चलाई जाएगी। कोयम्बटूर से ये ट्रेन हर मंगलवार वाले दिन सुबह 4:40 पर चला करेगी। लगभग 51 घंटे 55 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन गोरखपुर सुबह 8:35 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में आप स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में अभी से टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन नंबर 05303 गोरखपुर कोयम्बटूर स्पेशल। ये ट्रेन 8 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगी। गोरखपुर से ये ट्रेन हर शनिवार वाले दिन सुबह 8:23 पर चला करेगी। कोयम्बटूर ये ट्रेन सुबह 7:25 पर पहुंचेगी। ट्रैवल टाइम की अगर बात की जाए तो 46 घंटे 55 मिनट का दिया गया है और इस ट्रेन में आप स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में अपने टिकट अभी से बुक कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय रेल आवश्यकता के अनुसार और नई ट्रेनों को लेकर आएगा। वीडियो के माध्यम से मैं उन ट्रेनों के बारे में भी आप लोगों तक जानकारी पहुँचा दूंगा। अगर आप अपने रूट की किसी स्पेशल ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैंने आपको जिन ट्रेनों के बारे में बताया है इसमें से अधिकतर ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।